बराबर से भारत भाग है जाना पंजाब न गुजरात मराठा जावेद उत्कल बंगा चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला जमुना गंगा सब मिलकर हिंद पुकारे जय आजाद हिंद के नारे प्यारा देश हमारा सूरज बन कर जग पर चमके भारत नाम तुम्हारा सूरज बन कर जग पर चमके भारत नाम तुम्हारा जय हो जय हो जय हो जय 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 हो अपने सुपुत्रों को नहीं भूल सकता और हमारी कहानी भी भारत के एक बहुत बड़े लाल नेताजी सुभाष बोस से शुरू होती है। ब्रिटिश की जेल की सलाखों को तोड़कर वो सिंगापुर पहुंचे थे। और अपने वतन की आजादी की जंग शुरू करने से पहले उन्होंने गांधी जी से आशीर्वाद मांगा। राष्ट्रपिता हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम ये आजादी की जंग जीत जाएं। अपनी फौजों के सामने जिसके वो कमांडर इन चीफ भी थे उन्होंने भाषण देते हुए कहा, दुनिया के सामने आज मैं फख्र से ऐलान करता हूँ कि इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तान की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज बनाई गई है। मेरे बहादुर सिपाहियों, मेरे पास इस वक्त तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं, मैं तो तुमसे मांगने आया हूं तुम्हारी जिंदगियां, और इसके बदले में मैं इस वक्त तुम्हें दे सकता हूं भूख, मैं तुम्हें दे सकता हूं प्यास, मैं तुम्हें दे सकता हूं मुसीबत और आखिर में मौत। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि हमारी हार कभी नहीं होगी। अगर जिंदा रहे तो वतन को आजाद करेंगे, अगर मर गए तो ब्रिटिश के कदम हिंदुस्तान से उखाड़ कर फेंक देंगे। इतिहास गवाह है कि नेताजी की प्रतिज्ञा सफल हुई। मलाया में हिंदुस्तानियों ने उनके कदमों में आंखें बिछा दी और वो देवता की तरह पूजे जाने लगे। मलाया में रहने वाले सरमायादार हिंदुस्तानियों के एक जलसे में आजाद हिंद फौज के लिए चंदा की अपील करते हुए उन्होंने कहा, जब आप दौलतमंद लोग इनकलाब का नाम सुनकर तालियां बजाते हैं तो मुझे खुशी होती है, मगर इनकलाब तालियां बजाने से नहीं आया करता, इनकलाब तो कुर्बानी मांगता है। अगर आप अपने लिए आजाद हिंदुस्तान में इज्जत की जगह चाहते हैं तो आपको भी कुर्बानियां देनी होगी, जिस तरह यहां के गरीब हिंदुस्तानियों ने मिसाल कायम की है। उन गरीबों ने अपनी जिंदगी की पूंजी, अपने बैंकों की किताबें, औरतों ने अपने जेवर और माओ ने अपने लाल फौज में भर्ती के लिए मेरे हवाले कर दिए, मगर आपने, आप दौलतमंद ने आपने मुझे क्या दिया है? खास कुछ भी नहीं। याद रखो, मैं ये कभी इजाजत न दूंगा कि कुर्बानियां करे गरीब और आजादी का फायदा उठाए आप दौलतमंद। आजादी के पौधे को खून से सींचे गरीब और फल आ गिरे आप अमीरों की झोली में, जंग के मैदानों में मारे जाए गरीब और महलों में बैठकर आराम करें आप। नहीं, हरगिज नहीं, मैं आप लोगों को चैन से नहीं बैठने दूंगा। मैं आपकी नींद उचाट करने आया हूं, आराम छीनने आया हूं। मैं आपका वक्त, आपकी दौलत, आपकी औलाद, आपकी जिंदगियां मांगने आया हूं। मैं वो सरफरोश मांगने आया हूं जो सर पर कफन बांधकर भूख और मौत का मुकाबला करते हुए मेरे साथ हिंदुस्तान की तरफ मार्च करेंगे, जो दुश्मनों को मारते हुए गोलियों की बौछार में दीवानावार नारा लगाते हुए दिल्ली के लाल किले पर आजाद हिंद का झंडा लहरा देंगे। अगर मेरी बातों का आपके दिल पर
कुछ असर हुआ है तो मैं आजाद हिंद फौज के फंड के लिए इस हार की नीलामी करता हूं। गोली लगाइए। ₹500 नेताजी के हार की कीमत सिर्फ। हमारा बाप कितना ब्लैक मार्केटर है पर है कितना कंजूस, सिर्फ ₹500 देता है। तुम्हारे भाई से तो अच्छा है, ₹500 तो कहे हैं, तुम्हारे भाई ने तो कुछ भी नहीं कहा। ₹5,000 और नेताजी ₹7,000 9,000 10,000 और सिर्फ 10,000। क्या आप में से कोई भी ऐसा नहीं जो वतन की आजादी के लिए अपनी सारी पूंजी मेरे हवाले कर दे? 1,00,000 भैया भैया 1,00,000 हबीबुल्लाह 1,50,000 2,00,000 2,25,000 2,50,000 3,00,000 नेताजी 3,00,000 3,00,000 3,25,000 3,25,000 5,00,000 5,25,000 5,50,000 6,00,000 6,50,000 7,00,000 नेताजी गोली बंद कीजिए, मेरे पास सिर्फ 7,00,000 रुपए है, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। भगवान के लिए हार मुझे दे दीजिए। नौजवान तुम्हारा नाम क्या है? शेखर। शेखर, भारत माँ तुम जैसे नौजवान पैदा करके गुलाम नहीं रह सकती। तुमने मुझे अपना सब कुछ दिया है इसलिए ये हार तुम्हें मिलेगा। बॉस कहाँ है? इनसाइड। सर यस चुंगू आया है, भेज दो। यस सर। यस बॉस, आज मेरी ने एक मीटिंग में 40,00,000 रुपए जमा किए हैं। यस। और एक नौजवान शिखर ने नेताजी का मामूली हार 7,00,000 रुपए में खरीद किया है। कौन है वो? सेठ राम प्रसाद का लड़का। ये सेठ राम प्रसाद वही है जिसे बर्तानिया ने आज से 40 साल पहले हिंदुस्तान से जलावतन किया था। वंदा। यस बॉस। राम प्रसाद का बड़ा लड़का सुरेश ब्रिटिश फौज में है, ये खबर वायरल से ब्रिटिश हाई कमांड को भेज दो। यस बॉस। और सुरेश और शेखर के रिश्ते का भी जिक्र करना। यस बॉस। यस सर। वेल कैप्टन, हाई कमान ने तुम पर एक बहुत बड़े काम की जिम्मेदारी डालने का फैसला किया है। ये मेरी खुशकिस्मती है। गुड, हो सकता है तुमको अपने रिश्तेदार लोग से लड़ना पड़े। दोनों के लिए आपकी फौज में भर्ती हुआ हूँ, उनके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा करूँगा। वेरी गुड। न्यूज आया है तुम्हारा भाई ने INA को 7,00,000 रुपया दिया है। मेरे भाई ने? यस, हाई कमान ने तुमको सिंगापुर बेचने को डिसाइड किया है। तुम्हारा पहला काम अपने भाई को ये बेवकूफी से रोकना होगा। वो बेवकूफ नहीं, गुमराह है, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। वेल दैट्स अ गुड बॉय। मुझे कब जाना होगा? टुनाइट बाय सबमरीन। यस सर। वेल कैप्टन, गुड लक। थैंक यू सर। Thank you.
पिताजी, आपने शेखर को सारी पूंजी लुटाने दी और मुझसे पूछा तक नहीं। आखिर मैं भी तो आपका बेटा हूँ। मगर बेटा, मैंने अपनी पूंजी लुटाई नहीं, बल्कि आजाद हिंद फौज के वास्ते नेताजी के अर्पण कर दी। आजाद हिंद फौज की हकीकत क्या है? जापानियों का एक हथियार। पिताजी जरा सोचिए तो, अगर जापानी ये जंग हार गए तो आपकी क्या हालत होगी? यही होगा ना कि हम मारे जाएंगे, हम मर कर फिर पैदा होंगे। जब तक हमारा वतन आजाद नहीं होता, हम लाख बार मरेंगे, लाख बार पैदा होंगे। सुरेश, मैं इस हार में भी अपनी अंधी आंखों से हिंदुस्तान का चमकता हुआ भविष्य देख रहा हूं। आजाद हिंद फौज ब्रिटिश की बागी फौजों से ही बनाई गई है, और जब फौजें बगावत कर जाएं, तो कोई हुकूमत कायम नहीं रह सकती। इस जंग में आजाद हिंद फौज की फतह हो या शिकस्त, लेकिन दिल्ली के लाल किले पर हमारा तिरंगा लहराएगा और जरूर लहराएगा। वो दिन वाकई मुबारक होगा। मैं भी अपने वतन की आजादी चाहता हूं पिताजी, लेकिन जापानी जंग जीत गए तो आप समझते हैं कि हिंदुस्तान से अंग्रेज को निकालकर वो मुल्क हमें बख्श देंगे? भैया, अंग्रेज को हिंदुस्तान से जापानी नहीं, हम निकालेंगे, हमारी आजाद हिंद फौज निकालेगी। ठीक है, मगर जापानियों की मदद से ना? तो क्या हुआ, किसी की मदद लेकर वतन को आजाद कराना कोई बात नहीं है, बल्कि अंग्रेजों की मदद करके वतन को गुलाम बनाए रखना ही गद्दारी है। मैं गद्दार नहीं हूँ पिताजी, ये जंग दो उसूलों की जंग है। वो उसूल, उसूल वतन हमारी माँ, और जो उसूल माँ की आजादी में रोड़ा अटकाए वो उसूल नहीं गुमराही है। सुना करता था कि किसी भूखों मारी माँ ने अपने बच्चों को बेच डाला था, मगर ये कभी नहीं सुना कि किसी नालायक ने अपनी माँ को बेच डाला हो। और क्या पता था कि वो अपना ही बेटा होगा। आप सिर्फ जज्बात की राव में बह जा रहे हैं पिताजी। तुम इन्हें जज्बात कहते हो, मगर मुझे याद है आज से 40 साल पहले जब मैं वतन से बेवतन कर दिया गया था, बर्फानी सर्दियों की एक रात थी जब हमारा जहाज लहरों के थपेड़े खाता हुआ साहिल से दूर हो रहा था, और उस वक्त मैंने अपनी इन आंखों से आखिरी बार अपने प्यारे वतन की रोशनियां मध्यम होते हुए देखी थी। और आज जब कुदरत का इंसाफ ब्रिटिश के किए हुए गुनाहों की सजा देने वाला है, तो तुम मुझे उसूल समझाने आए हो। जाओ, चले जाओ अपने ब्रिटिश आकाओं के पास और उन्हीं की दोस्ती का दम भरो। मैं अंग्रेज का दोस्त नहीं पिताजी, ये आपकी गलत फहमी है। अभी भी तुम्हारा ये दावा है कि मेरी ही गलत फहमी है। मैं इन अंधी आंखों से जहां हिंदुस्तान का चमकता हुआ भविष्य देख रहा हूं, वहां अपने घर की तबाही भी देख रहा हूं। खैर, जो किस्मत को मंजूर है। सुरेश, तुम यहां से चले जाओ। जाओ, पेशतर स्थिति यहां शिखर आ जाए और घर में एक नई मुसीबत खड़ी हो, तुम चले जाओ। अच्छा, जाता हूं पिताजी। मैं तो आपको सिर्फ ये समझाने आया था कि खामखाफत मोल लग लीजिए। ठहरो, जब घर का भेदी लंका ढाएगा तो आफत तो आएगी। शेखर, मैंने सब कुछ सुन लिया है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम वतन के दुश्मन हो, इसलिए तुम हमारे भी दुश्मन हो। मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा, मैं तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। शेखर, मेरी तरफ मत पड़ो वरना बुरा होगा। मैं जानता हूं तुमसे बुरा कोई ना होगा। प्रताप, ये लोग क्या कर रहे हैं बेटा? भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। सुरेश भाई है तो क्या हुआ, वो वतन का गद्दार है, मैं उसे बचकर नहीं जाने दूंगा। ये क्या हुआ? शेखर भैया मारकर गिरा दिए गए हैं। सुरेश, शेखर,
सुरेश। पिताजी मुझे अफसोस है, मुझे अपने बचाव के लिए ये सब कुछ करना पड़ा। खबरदार, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा, अगर जान प्यारी है तो अपनी जगह से मत हिलो। प्रताप ये तुमने क्या किया? प्रताप ये तुम सब पागल हो गए हो क्या? कुछ नहीं हुआ भैया, भाग गए। क्या हुआ सुरेश? वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। पिताजी ने मुझे डांट दिया, शेखर ने गद्दार का गिरफ्तार करने की कोशिश की और प्रताप ने तो गोली ही चला दी। तो फिर? फिर क्या, मैं बच गया। ये मेरी खुशकिस्मती है सुरेश, तुम बच गए। लिली, ओ आई एम सॉरी। आ लिली, आ लिली, तुमने डांट की रिहर्सल ली? हाँ दीदी, आपकी जो शो होगा तो लोग कहेंगे कि मशहूर डांसर डॉली की बहन लिली ने कमाल कर दिया। मुझे खुशी होगी। अब जाओ, जाकर सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट लिली। गुड नाइट डॉक्टर। डॉली, मेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, मेरे भागने का इंतजाम करा दो। हो जाएगा, चलो चल के आराम करो। की ट्रेनिंग कैंप में जाएंगे, सिपाहियों को शो देंगे, उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, उनसे खबरें निकालेंगे। तो फिर? फिर ब्रिटिश हवाई बेड़ा आईएनए और जापानियों की फौज पे बम बरसाएगा, आईएनए का खात्मा, जापानियों की हार। यस यस, हम जाएंगे। डैडी, मुझे वो दिन याद है जब जापानी दरिंदों ने ब्रिटिश का साथ देने के इल्जाम में तुम्हें गोली से उड़ा दिया था और मैंने तुम्हारी मौत का बदला लेने की कसम खाई थी जापानियों से, जापान के साथियों से, चाहे वो सुभाष बोस ही क्यों ना हो। अब वो वक्त आ गया है और मैं बदला लूंगी। गोरे गोरे ओबा के छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी ओबा की छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे ओबा के छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी ओबा की छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। रोज रोज मुलाकात अच्छी नहीं, प्यार में ऐसी बात अच्छी नहीं, थोड़ा थोड़ा मिलना थोड़ी सी जुदाई, सदा चांदनी रात अच्छी नहीं। छोड़ो छोड़ो जिया न छोड़ो, किसी और को जला करो। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे ओ बाकी छोरे,
कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। छोटी सी बात पर ये लड़ाई, प्यार की दुहाई है प्यार की दुहाई, अखियों में अखियों डाल के तो देखो, चेहरे पे गुस्सा है दिल में सफाई। घड़ी घड़ी ओ बड़ी बड़ी ऐसी बातें न बनाया करो, गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो, गोरे गोरे ओ बाकी छोरे, कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। हवलदार शिखर, वन स्टेप फॉरवर्ड मार्च। हवलदार शिखर, आज से तुम कैप्टन बना जाते हो। आजाद हिंद फौज की एक जरूरी चिट्ठी लेकर शेखर कल बैंकॉक जा रहा है, उसमें हमले की स्कीम है। हमले स्कीम? हाँ, आजाद हिंद फौज के हमले को नाकाम करने के लिए हमें उस चिट्ठी की नकल चाहिए। तो मैं ले आऊंगी। काश के तुम ऐसा कर सकती। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकती बॉस, तो फिर कौन कर सकता है? ले ले, सिर्फ ले ले ये काम कर सकती है। शेखर उसे चाहता है, वो उस पर एतबार करता है, उसके लिए ये काम बड़ा आसान है। लिली के लिए ये काम आसान है, इसलिए उसे मुसीबत के मुंह में धकेल दूं। जानते हो जासूस की सजा क्या है? मौत। लिली अभी नादान है, बच्ची है, मैं उस पर मौत का साया नहीं पड़ने दूंगी, मैं उसे खतरनाक रास्ते पर नहीं डालूंगी। मगर उसे रास्ता अख्तियार करना ही पड़ेगा, वो बच्ची है, नादान है, मगर हम सबके साथ रहती हुई तूफान से अलग खड़ी तमाशा नहीं देख सकती। अभी तक वो हमारे राज नहीं जानती, मगर एक दिन जान सकती है, और हम सब पर मौत का साया डाल सकती है। स्कीम की नकल लेने लिली को ही जाना होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ना सुनने का आदी नहीं। तुम मुझे मौत की धमकी दे रहे हो? मैं सिर्फ धमकी ही नहीं दिया करता, मौत का हाथ उठा भी दिया करता हूँ। मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देती हूँ, मेरी लिली को इस खतरनाक रास्ते पर ना डालो, ना डालो। तुम्हारी बहन की मोहब्बत तुम्हें बुजदिल बना रही है। हाँ, क्योंकि मैं उसकी बहन ही नहीं बल्कि माँ भी हूँ। उसके आगे जिंदगी है, मोहब्बत है, जवानी है। मैंने तो अपने बाप और भाई का बदला लेने के लिए भयानक रास्ते को इख्तियार किया है, लेकिन उसे इस खतरनाक रास्ते पर न डालो। तुम्हारे आंसू मिट्टी की दीवार ढा सकते हैं, पर मुझ पर कोई असर नहीं कर सकते। मैं फैसला कर चुका हूँ। उस बैग में आजाद हिंद फौज की मोहर है और लिली की हवाई जहाज की टिकट है। स्कीम की नकल लाने के लिए लिली को ही जाना होगा। नहीं, नहीं।
मुलाकात हमेशा इत्तफाकी हुआ करती। वहां मेरे टाउन हॉल में हार खरीदना और आपका वहां ताली बजाना, फिर मेरा ट्रेनिंग कैंप में जाना, वहां भी आपका चले आना। अब ये प्लेन में लिली, मेरी जिंदगी खतरे में है, मुझे खत की नकल चाहिए। ओके हेलो हेलो रेडियो ऑपरेटर, मशीन अटेंशन प्लीज। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जहाज के इंजनों में गड़बड़ शुरू हो गई है, हमें मजबूर होकर जहाज की उतरना पड़ेगा। शुक्रिया सेफ लैंडिंग। सिटी बजा रहे हो? यस। तुम्हें मौत का खौफ नहीं? नहीं है भाई। नहीं? क्यों 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 नहीं? डेडलेस। आप मौत से नहीं डरते? नहीं, मगर जिस खास काम के लिए जा रहा हूँ शायद पूरा ना हो सकेगा। शायद इसमें ही भलाई हो। क्या मतलब? कुछ नहीं। नहीं, मैं मना नहीं चाहता। इलाका पहाड़ी है, बचना मुश्किल है। 5000 कैप्टन, 4000 नाउ। गवाह था सुपर रोली कैप्टन। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मशीन तो दुरुस्त नहीं हो सकती। तो फिर अब क्या होगा? हमारा हवाई जहाज लंका न पहुंचे पर वहां से एक हवाई जहाज हमारी तलाश को निकलेगा, तब भी कुछ मदद की उम्मीद हो सकती है। कितना वक्त लगेगा? कुछ कह नहीं सकता। कैसे मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैं जाता हूं।
मैं रास्ता मालूम है शेखर, पता लगा लूंगा। अच्छा अच्छा ले ले। लिली, मुझे खत की नकल चाहिए। लिली, मुझे खत की नकल चाहिए। क्या है दीदी? निकलेंगे तारे मगर तुम ना होगे, अभी शाम आएगी निकलेंगे तारे मगर तुम ना होगे, पुकारेंगे रो रो के तुमको नजारे मगर तुम ना होगे। तुम्हारा पता चांद पूछेगा मुझसे तो मैं क्या कहूंगी, छुपा लूंगी मुखड़ा छुपा लूंगी आंखें मगर चुप रहूंगी, तुम्हारी शिकायत करेंगे सितारे मगर तुम ना होगे, तुम्हारी शिकायत करेंगे सितारे मगर तुम ना होगे, अभी शाम आएगी निकलेंगे तारे मगर तुम ना होगे। ठंडी ठंडी हवाएं सताएंगी मुझको, कहीं दूर पंछी की मीठी सदाएं रुलाएंगी मुझको, मैं ढूंढूंगी तुमको हो मेरे सहारे मगर तुम ना होगे, मैं ढूंढूंगी तुमको हो मेरे सहारे मगर तुम ना होगे, अभी शाम आएगी निकलेंगे तारे मगर तुम ना होगे। बड़ी जोर से भूख लगी, ये लो चाबी, खाना निकालो कुछ खा पी ले। ये तो इतना थोड़ा है, एक आदमी के लिए भी काफी नहीं होगा। तो तुम खा लो।
मैंने ये बाकी बच गया है। अरे खा लो, खा लो। अभी इतने त्याग की जरूरत नहीं। तुम मेरा झूठापन। मुसीबत के वक्त दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। हटो, तुम मेरे दुश्मन थोड़े। मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ शेखर, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। लिली, चक्कर आ रहे हैं। तुम्हारी तबीयत अब तक ठीक नहीं है। ये मेरा झूठा है। हमारे इकट्ठा हवाई जहाज में सफर करना, हवाई जहाज का खराब होना और फिर इस तरह हम दोनों जंगल में अकेले, ये चांदनी रात, मैं सोच रहा हूं ये सपना है या कुदरत ने हम दोनों को प्यार की माला में पिरो देने का खेल खेला। क्या सोच रही है लिली? अब तो नींद आ रही है। नींद आ रही? अच्छा, इसे ओढ़ लो। लेकिन इसमें अहम सरकारी कागजात है, संभाल कर रखना, कहीं खो गया तो मैं मारा जाऊंगा। ले ले, मुझे खत की नकल चाहिए। तुम्हें मुझ पर विश्वास है? अपने आप पर किसे विश्वास नहीं होता लिली। सो जा। लिली, मेरी जिंदगी खतरे में है, मुझे खत की नकल चाहिए, मुझे खत की नकल चाहिए। मुझे खत की नकल चाहिए लिली। सुभाष, इंडियाना, बैंकॉक।
सुभाष सुभाष ब्रिगेड बैंकॉक से कहीं में रवाना होगी। सुभाष पैगाम भेज दो। खबर आई है कि आजाद हिंद फौजें कल बैंकॉक से रवाना होंगी। फैसला किया गया है कि उन पर बम्बार्डमेंट की जाए। कैप्टन सुरेश, क्योंकि आप मलाया के रहने वाले हैं इसलिए आपकी खिदमत आर्मी से उधार ली गई। कल आपको हवाई बेड़े के साथ जाना होगा। यस सर। विश शुक्रिया। थैंक यू। हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। कुछ मुद्दत के लिए शायद हमारी फौजों का आगे बढ़ना रुक जाएगा। जंग में ऐसा तो होता है। हाँ, मगर मालूम होता है हमारे किसी अफसर की बेवकूफी या गद्दारी की वजह से दुश्मन को हमारी फौजों के आगे बढ़ने का राज पता चल गया है। इस बात के तय तक पहुँचने के लिए हम कई अफसर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। हम? तुम भी? क्यों? क्योंकि इस राज को हिफाजत के साथ जनरल शाहनवाज तक पहुँचाने का काम मेरे जिम्मे था। फिर तुम क्यों गिरफ्तार कर लिए जाओगे? मैं शायद बच जाऊंगा लिली, क्योंकि हवाई जहाज में और उसके बाद मेरे साथ सिर्फ तुम ही तो थी और तुमने खुद थोड़ी चुराया होगा। डाले, मेरे साथी कहाँ है? हमले का क्या हुआ? हमला कामयाब रहा, दुश्मन की सब फौजें तबाह हो गई। दुश्मन की फौजें तबाह हो गई? कहाँ चली गई थी तुम? मारे फिक्र के मेरी जान निकली जा रही थी। बमबारी में तुझे कुछ हो जाता तो मैं किससे पूछती? मेरी बेटी, तुम्हारे डॉक्टर बाबू। आओ 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 लिली, आओ। ब्रिटिश फोर्स के अफसर डॉक्टर लिली। क्यों दीदी, और कोई खत चुराना हो, किसी और स्कीम की नकल लानी हो तो ले आऊं? तुम कैसी हो, तुम मेरी माँ, और माँ की खिदमत करना बेटी का फर्ज है ना? मैं समझ रही थी हम सिर्फ कलाकार हैं, पर आज मालूम हुआ
हम तो बहुत बड़ी औरतें हैं, हजारों इंसानों की जिंदगी से खेलने वाली, कौमों का तख्ता उलटने वाली जासूस, बहुत बड़ी जासूस, इतनी बड़ी कि मतलब के लिए अपनों को भी मिटा सकती है ना? तुम कहना क्या चाहती हो, तुम्हारा मतलब क्या है? यही कि अपने मतलब के लिए तुमने घिने रखा, तुमने मुझे शेखर का खत चुराने को कहा, मैंने खत में शेखर का विश्वास चुराया है, उसकी मोहब्बत को धोखा दिया है, माँ औलाद के लिए मोहब्बत मांगा करती है, तुमने मेरी मोहब्बत मुझे छीन ली, मैं तुम्हारी मोहब्बत छीनना नहीं चाहती, तुम शेखर से जाकर सब कुछ कह दो, मुझे फांसी हो जाएगी, मगर मगर तुम और शेखर शेखर से नहीं मिलेगी। नीलम, लिली को यहां से ले जाओ। लिली क्या कह रही थी? वो क्या कहेगी, वो बच्ची है, वो शेखर से मोहब्बत करती है। मैं खतरे को दावत नहीं दे सकता। खुदा के लिए उसे नहीं मारो, खुदा के लिए उसे ना मारो, ना मारो। वो मेरी बहन है, वो मेरा बुरा ना चाहेगी, वो शेखर से पूछना चाहेगी। हाँ हाँ, मुझे मार डालो, मार डालो मुझे, मैं जिंदा रहना भी नहीं चाहती। नहीं नहीं, जिंदा ना रहे। हट जाओ। नहीं बॉस, डरती रहे, सब से काम लो प्लीज। लिली घर से बाहर कदम नहीं रखेगी, वो शेखर से नहीं मिलेगी। वो नहीं मिलेगी। मेरे हम वतनों और आजाद हिंद फौज के बहादुर सिपाहियों, हमारी फौज पर जो बॉम्बार्डमेंट हुई है उससे साफ पता चलता है कि दुश्मन को हमारी फौजों की मूवमेंट का पता चल गया है। यह जरूर हमारे ऑफिसरों की गलती और ब्रिटिश के जासूसों का काम है। मलाया के हर शहर, कस्बे और देहात में उन्हें ढूंढकर गिरफ्तार किया जाए। मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि जासूसों को पब्लिक मकामात पर गोली से उड़ा दिया जाए। मुकदमा दलील रहम की गुंजाइश न छोड़ी जाए। हिंदुस्तान की आजादी के लिए जरूरी है कि ब्रिटिश के जासूसों को खत्म कर दिया जाए, और हमारे जिन ऑफिसरों की गलती से हमारी खबरें दुश्मनों तक पहुंचती है उन्हें भी सख्त सजाएं दी जाए। जय हिंद। तुम बाद में उसका बदला लेने की कोशिश की जाएगी। बदला तो तब लिया जाएगा कि सुभाष वो जिंदा रहे। दिल्ली से शेखर मिलने आए थे। नीलम, लीडी से जाके कहो कि शेखर मिलने आए हैं। लीडी, शेखर तुमसे मिलने आए, तुमसे कह दो मैं नहीं मिला था। नीलम,
उनसे कह दो मैं घर में नहीं हूं। कितनी बदकिस्मती है, एक ही शहर में रहते हुए मैं अपने भाई से मिल भी नहीं सकता। डॉली, शेखर तुमसे मिलना चाहता है। कह दो मैं इस वक्त काम में हूं। ठहरो ठहरो, डाली डाली उसे आने दो, तुम उससे बातें करना, मैं चुप कर उसे देखूंगा। ओके मीनत, तुमसे कह दो अंदर आ जाए। आइए शेखर बाबू। आओ शेखर। तुम लिली से मोहब्बत करते हो? मोहब्बत? मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती। लेकिन हम लोग क्रिश्चियन। तो क्या हुआ, मोहब्बत मजहब का बंधन नहीं देखती? और हम डांसर भी हैं। मेरे भैया भी तो डांसर से मोहब्बत करते थे। जी हाँ। तुम उस डांसर को जानते हो? जी नहीं, उन्होंने उसका नाम नहीं बताया। काश कि मुझे मालूम होता, मैं उससे मिलता, भैया की बातें करता। तुम अपने भाई से मोहब्बत करते हो? आप अपने बहन से मोहब्बत नहीं करते? अपने भाई से कौन नहीं मोहब्बत करता। और फिर हम दोस्त थे, बचपन से एक साथ खेलते थे, घूमा करते थे। लेकिन तुम तो अपने भाई को गिरफ्तार करना चाहते थे। वो तो उसूल के लिए, मोहब्बत और उसूल में फर्क। जी नहीं। अच्छा तो मैं चलूंगा। जय हिंद। मैं मिस लिली से मिलना चाहता हूँ। ठेली जरा कपड़ा बदले पता। शक्कर बाबू ला रहे। उनसे कह दो स्टेज पर जाने का वक्त हो गया। पहले शक्कर बाबू स्टेज में तो आ रहा। स्टेज पे जा रही? कहाँ? लिली, अगर लिली मुझसे मिलना नहीं चाहती तब मैं भी उन्हें तकलीफ नहीं दूंगा। तुम उनसे ये कह देना। अपनी खुशी से अपनी दुनिया लुटा रहे हैं। अपनी खुशी से अपनी दुनिया लुटा रहे हैं। आंखें भी रो रही है, दिल भी तड़प रहा है, दिल भी तड़प रहा है। और वो समझ रहे हैं हम मुस्कुरा रहे हैं।
अपनी खुशी से अपनी दुनिया लुटा रहे हैं, अपनी खुशी से अपनी दुनिया लुटा रहे हैं। बेदर है जमाना, मजबूर है मुहाबत, मजबूर है मुहाबत, मंजिल पे आके वापस मंजिल पे जा रहे हैं, अपनी खुशी से अपनी दुनिया लुटा रहे हैं, अपनी खुशी से अपनी दुनिया लुटा रहे हैं। खुशी से हमको मना रहे हैं, अपनी खुशी से अपनी दुनिया लुटा रहे हैं, अपनी खुशी से अपनी दुनिया लुटा रहे हैं। लिली, माफ करना, तुम्हारी इजाजत के बगैर मैं अंदर आ गया। मैंने ये तो नहीं कहा था कि तुम्हें मेरी इजाजत लेकर मेरे कमरे में आना पड़ेगा। यूं तो मैं कभी ना आता, मगर तुम्हारे उस गाने ने फिर से मुझे गलतफहमी में डाल दिया। तुम इसे गलतफहमी क्यों कहते हो? तुम्हारे पिछले दिनों के रवैये से मैं तुमसे मिलने की कोशिश करता रहा और तुम हमेशा मुझे टालती रही। तुम्ही ने तो कहा था कि फर्ज मोहब्बत से बुलंद होता है। मगर मैंने ये तो नहीं कहा था कि फर्ज मोहब्बत को भुला देता है। और मैंने भी तो नहीं कहा था कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत को भुला दिया है। तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? और किसी फर्ज की मजबूरी की वजह से मिल नहीं सकती? हाँ शेखर, हाँ। लिली, रो नहीं लिली, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, इस उम्मीद पर मैं सारी जिंदगी काट सकता हूं। और अगर किसी फर्ज की मजबूरी से मिल नहीं सकती तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। क्यों नहीं मिलेगी लिली? लिली मिला करेगी तुमसे। शेखर जरा आना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। नेताजी के जन्मदिन पर हम एक खास शो देना चाहते हैं, जिसकी आमदनी हम आईएनए के फंड में देंगे। हम चाहते हैं कि नेताजी उस दिन तशरीफ ले आएं, क्या हो सकता है? मेरा ख्याल है जरूर आएंगे, मगर इसके लिए आपको मेजर जनरल भोसले से मिलना पड़ेगा, और अगर आप कहें तो मैं भी कोशिश करूं। जरूर करो। अच्छा, जय हिंद। जय हिंद। नेताजी आएंगे? यस। और फिर आईएनए का खात्मा, जापानियों की शिकस्त, दुतला। यस 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 यस, उनका जन्मदिन।
पिस्तौली कहाँ है? अपने कमरे में साहब। देखो 5 मिनट में नेताजी आएंगे, मैं उन्हें लेने नीचे जा रहा हूँ। डाली तुम इस तरह के पास उनका स्वागत करो। कैप्टन सुरेश तुम्हारा आदमी तैयार है? यस। जब मैं इशारा करूं तब, उससे पहले नहीं। ओके एंड मेक सर्टन। गुड लक। नेताजी का जीवन है बलिदान की एक कहानी। नेताजी का जीवन है बलिदान की एक कहानी। बलिदान ही बलिदान है बचपन और जवानी, बचपन और जवानी। बलिदान की एक कहानी, बलिदान की एक कहानी। ओए बचपन ही से चंचल मन में अरमानों का मेला था। छोटी सी एक लहर के दिल में तूफानों का रेला था। कॉलेज में उस्ताद जो था वो था लंदन का गोरा। अरे उसने कहा कॉलेज में एक दिन, हिंदी काला लोग छिछोरा। शेर बोस का खून जो खोला, शेर बोस का खून जो खोला, गोरे को एक चपत लगाई। नाम कटा कॉलेज से लेकिन हिंद की लाज बचाई। नेताजी का जीवन है बलिदान की एक कहानी। बलिदान ही बलिदान है बचपन और जवानी। बलिदान की एक कहानी, बलिदान की एक कहानी। माता पिता ने समझाया और इंग्लिस्तान को किया रवाना। बड़ों के आगे होंठ न खोले लेकिन बागी दिल न माना। यूरोप में ICS के इम्तिहान को पास किया। और इतना ऊंचा औहदा पाकर देशभक्त ने छोड़ दिया। फिर हिंदुस्तान में आकर पहले गांधी को प्रणाम किया, गांधी को प्रणाम किया। वो देश की सेवा का बापू से पहला सबक लिया। भारत के दुख दर्द को सोचा समझा और पहचाना। कमर बांध कर रण में आया आजादी का दीवाना, आजादी का दीवाना, आजादी का दीवाना। या अंग्रेजों ने ये ऐब करें इस बागी को अब कैद। कुचल डाले मसल डाले। मगर
बचपन से जो बागी हो वो जुल्म से डरना क्या जाने, जलने से कब घबराते हैं शमा वतन के परवाने, जिसके रग रग में शोले हों वो क्या समझे चिंगारी को, हथकड़ियों को जंजीरों को जेलों की चार दीवारी को, कदम कदम पर मुश्किल आई लेकिन शेर सदा ललकारा, रह नहीं सकता गैर के बस में हिंदुस्तान हमारा, रह नहीं सकता गैर के बस में हिंदुस्तान हमारा, रह नहीं सकता गैर के बस में हिंदुस्तान हमारा। सरकार ने कर डाली नजर बंद जबा बंद, मैदान के जो मर्द हैं होते हैं कहाँ बंद, एक रात को चुपके ही से गुम हो गए नेता, शोर हुआ सुबह कहाँ खो गए नेता, जनता भी थी हैरान तो सरकार भी हैरान, उड़ जाने से बुलबुल के था सयाद परेशान। लेकिन माता कोई उम्मीद थी लौटाएगा बेटा, माता से कहे बिना कहाँ जाएगा बेटा, इस आस में दरवाजे बिखर के न किए बंद, आ जाएगा आ जाएगा वो लाल वो फर्जन। उस माँ से बड़ी माँ है जो हिंदोस्ता है, वो छोड़ गया माँ को बड़ी माँ को छुड़ाने, इस हिंद की बिगड़ी हुई तकदीर बनाने। पठानी भेस ला पर देश छोड़ कर देश माराने का, बदल पठानी भेस ला पर देश छोड़ कर देश माराने का, आजादी की नई लड़ाई लड़ने प्याराने का, हिंदुस्तान से काबुल में और काबुल से बर्लिन में, चलते चलते पहुंच गया वो सिंगापुर के रण में, कौम की ये गोलियों कभी चलाना बन गया, कौम की ये गोलियों कभी चलाना बन गया, एक एक दिन का चुना और आशियाना बन गया, जय गांधी जय सुभाष, जय गांधी जय सुभाष, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कहीं चोट तो नहीं आई भोसले? ब्रिटिश ने अभी तक कोई ऐसी गोली तैयार नहीं की जो मेरी जान ले सके। शेखर, 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 अरे भाई धक्का न दो, सुरेश शेखर, खतरा है, शेखर, 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 भोसले लोगों को मारने से रोको। जी भगवान तुम्हारा भला करे। कौन हो तुम? मेरे बेटे शेखर को तो जाते ही होगे, मुझे वहां तक पहुंचा दो।
बस फिर आओ बेटा। कौन कौन तुम कौन? ओ जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। ये सुनसी तुम्हारी इबादत करे। खुदा हाफिज़। मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया है नेताजी, मैं किसी के बहकावे में आ गया था, मुझे माफ कीजिए नेताजी। कौन है वो? के सिपाही बनवा रोड पर सुनिया बताने के लिए जा रहे हैं, ये खबर भेजो। ये देखो ये भाग न जाए। ओके बात।
लिली कहाँ है? लाश को बाथरूम में बंद कर दो, लीले की तलाश करो। दुआ करना नहीं आती, मैंने कभी दुआ नहीं की। बेटी, फादर, पछतावे का हर आंसू एक लंबी दुआ के बराबर। सच्चे दिल से की हुई दुआ कभी बेकार नहीं जाती। दुआ की जाओ, की जाओ, वो जरूर सुने। आमीन। दुश्मन के सिपाही छुप गए हैं, उन्हें बाहर निकलने दो। दोस्तों, वतन की आजादी का इतिहास लिखा जा रहा है। तुम अपने आप को कार कहलवाना चाहते हो या शहीद? शहीद। तो फिर निकलो यहाँ से और दुश्मन पर हल्ला बोल दो। वो पहाड़ी हमारी मंजिल है और कसम खाओ कि हम में से हर एक दुश्मन के चार सिपाहियों को मार के मरेगा। हम जय हिंद। दुश्मन आगे बढ़ रहा है, निकलो अपनी अपनी जगह से और टूट पड़ो दुश्मन पर, और देखो एक भी आदमी जिंदा ना बचने पाए। उठो। Thank you.
रोशनी न होती तो हम एक दूसरे का खून कर देते। काश की रोशनी ना होती कम से कम ये तो न देखते कि भाई भाई के खून का प्यासा है। किस्मत किस्मत तो अंधे बाप की बुरी होती जो हमारी मौत की खबर सुनता सोचता कि हमने अपने बेटों को इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया कि वो एक दूसरे की जान ले लें। मेरे सिपाही धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं। मारे नहीं जा रहे, मारे जा चुके हैं। तुम भी अपने आप को गिरफ्तार समझो शेखर। आजाद हिंद फौज के सिपाही गिरफ्तार होना नहीं जानते, मरना या मारना जानते हैं। जिद न करो शेखर, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। नहीं भैया, मरने या मारने के लिए तैयार हो जाओ। बंदूक छोड़ दो शेखर। कैप्टन, कोई मजदूर यहां तक भी आ पहुंचा? वो मजदूर नहीं, बहादुर था। बहादुर वो जा रहा है, वो देखो वो जा रहा है। ठहरो, बंदूक मुझे दो। कहां है वो? मुझे तो कहीं नहीं दिखता। वो जा रहा है। ये क्या किया तुमने? कैप्टन, हमारी मुकम्मल जीत हुई। मैं जानता हूं, मुझे इसकी कीमत देनी पड़ी है। दुश्मन के सब आदमी मारे गए हैं। जय हिंद कैप्टन शेखर। शेखर 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 सिपाही हूं ना पिताजी। हाँ, भारत माता की आजादी की राह में खाए हुए जख्म जख्म नहीं है बेटा, फूलों के हार हैं। तुम आ गए, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरी दुआएं भी सुन ली गई है। तुम थक गए होगे बेटा, जाओ नहा धुला लो, कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करवाता हूं। प्रताप चलो बेटा। लिली लिली, मैं एक बहुत बड़ा काम करके आया हूं। जब मैं तुम्हें सब कुछ सुनाऊंगा तुम सुनकर खुशी से मुझे लिपट जाओगी, तालियां बजाओगी और कहोगे हीरो हीरो तुम वाकई हीरो। लिली
लिली तुम यहां? ओह, तुम्हें बहुत सी मुसीबतों से गुजरना पड़ा। मुसीबत? लिली, मौत चारों तरफ नाच रही थी, जीने की तमाम उम्मीदें छोड़ चुका था। मेरा बच जाना एक जादू है। बचाने वाला जादूगर है। लिली, अगर मैं लड़ाई में मारा जाता तो शायद मैं भी जिंदा न रहती। लिली, क्या सच तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो? हाँ, मगर। मगर क्या? क्या तुम मुझसे ये पूछना चाहती हो कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ? लिली, तुमसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी की एक एक घड़ी, एक एक सांस देश के लिए थी, मगर तुम्हारी सुंदरता ने, शोखी में छुपे हुए तुम्हारे भोलेपन ने मेरी जिंदगी की घड़ियां मुझसे मांग ली। मैंने वो घड़ियां तुम्हें दी नहीं, तुमने मुझसे छीन ली। और अब तो मुझे तुमसे डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे सिवाय कुछ और सोच ही न सकूं। ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे सिवाय और कुछ सोच न सको? हाँ, ऐसा हो सकता था, मगर। मगर क्या? तुम क्या कहना चाहती हो लिली? शेखर, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम रो क्यों रही हो? तुम परेशान क्यों हो लिली? क्या बात है, कहो। मैं अंग्रेज सरकार के जासूस हूं। जासूस? हाँ, तुम्हारी फौजों पर जो बमबारी हुई थी वो खुद मैंने चुराया था। नेताजी की जिंदगी पर हमला हमारी वजह से हुआ था। इस दफा हम दुश्मनों के जाल में फंस गए थे और मेरे सब साथी मारे गए थे, वो भी तुम्हारी वजह से हुआ था। हाँ, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत? तुम्हारी मोहब्बत एक धोखा थी, फरेब थी। तुमने मुझे धोखा दिया, नेताजी को धोखा दिया, मेरे पतन को धोखा दिया। मैं तुम्हें मारता रहूंगा, मैं तुम्हें जान से मारूंगा। तुम हट जाओ पता। नहीं भैया, मैं कहता हूं हट जाओ। तुम क्या कर रहे हो भैया? नहीं भैया, इसे जाने मत दो, ये जासूस है। जासूस? मैं नहीं जाऊंगी शेखर, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें फिर से चोट आई? छुआ मत मुझे नागन, तुमने मुझे बहुत जोर से डसा। मैं तुम्हारे हीरो कहने अब ताली बजाने के फरेब में आ गया, मगर अब मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा, तुम पर मुकदमा चलेगा, लोग तुम्हें गद्दार कहेंगे, तब मैं ताली बजाऊंगा, तुम गोली से उड़ा दी जाओगी, तब मैं खुश हूंगा, पैकर लगाऊंगा। हीरो भैया, जिंदा है, भाग के जाओ, दूसरा आदमी बुला लो, उठा के ले चले। अच्छा, मिस्टर प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द कोर्ट मार्शल, अब ये साबित हो गया है कि देखने में ये दोनों भोली भाली लड़कियां किस कदर संगीन मुजरिम हैं, किस तरह इन कम उम्र लड़कियों ने 40 करोड़ हिंदुस्तानियों की तहरीक आजादी को खतरे में डाला, किस तरह इन मासूम सूरत लड़कियों ने हमारी आंखों के तारे नेताजी की जिंदगी पर हमले की साजिश की, और ये जानते हुए भी कि जासूस की सजा मौत है, किस तरह मलाया में हमारी आजाद हिंद फौज के दरमियान रहकर इन दोनों ने अंग्रेजों की जासूसी की। मिस्टर प्रेसिडेंट, इन जुर्मों के लिए कानून की नजरों में सिर्फ एक ही सजा है और वो है मौत, इन खूबसूरत नागनों के लिए सिर्फ मौत। नहीं, लिली बेगुनाह है, ये सब कुछ मैंने किया है, मैंने ही उसे बहका दिया था, सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। दीदी, दीदी। हम्म,
सजा तुम दोनों को ही मिलेगी। कानून की जब्त से कोई नहीं बच सकता, यहां तक के हमारी फौज का मशहूर ऑफिसर कैप्टन शेखर भी नहीं बच सकता। और मिस्टर प्रेसिडेंट, इस लड़की ने जो जुर्म किया है उसमें बदकिस्मती से कैप्टन शेखर भी शामिल है। मैं कैप्टन शेखर से चंद सवाल करना चाहता हूं। इजाजत है कैप्टन शेखर। शेखर, क्या तुम इस लड़की से मोहब्बत करते थे? जी हाँ। क्या तुम अब भी इस लड़की से मोहब्बत करते हो? आप जानते हैं मैंने उसे गिरफ्तार किया था। मगर मैं पूछता हूँ, क्या तुम इस लड़की से अब भी मोहब्बत करते हो? मैंने उसके खिलाफ बयान दिया। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आपका ये सवाल मुकदमे की कार्रवाई के लिए गैर जरूरी। नहीं, मेरा ये सवाल गैर जरूरी नहीं है। कैप्टन शेखर, तुमने इस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर मुल्क और काम को नुकसान पहुंचाया। एक दिन वो था जब तुमने 7 लाख रुपए में नेताजी का हाथ खींच कर देश के नौजवानों के लिए मिसाल कायम की थी। तुम आजाद हिंद फौज के सिपाही बने। तुमने अपने गुलाम वतन को विदेशी हुकूमत के जालिम पंजे से आजाद कराने का वादा किया। तुमने नेताजी के सामने कसम खाई थी कि अपने फर्ज से कभी कोताही नहीं करोगे, लेकिन इस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर तुम अपने फर्ज को बिल्कुल भूल गए। कैप्टन शेखर, तुम्हारी वजह से फौजों पर बमबार्डमेंट हुई। आजाद हिंद फौज का बढ़ता सलाब तुम्हारी वजह से रुक गया। हाँ, मैं जानता हूँ कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं झूठी मोहब्बत के फरेब में फंस गया था। मैं तस्लीम करता हूँ कि मेरी मोहब्बत की एक एक घड़ी देश भाइयों की मौत का सबब बनी। मैं ये भी मानता हूँ कि मेरी लापरवाही से नेताजी की जिंदगी पर हमला हुआ। मुझे सजा मिलनी चाहिए, वही सजा जो एक गद्दार के लिए मुकर्रर है, ताकि मेरे साथियों को इबरत मिले। मगर मुझे रंज तो है सिर्फ इस बात का कि जब इतिहास लिखने वाले आजाद हिंद फौज का इतिहास लिखेंगे तो मेरा नाम गद्दारों में लिखा जाएगा। शेखर, नहीं, तुम गद्दार नहीं हो, तुम बेकसूर हो। मैंने सब कुछ किया है, तो मैं और कोर्ट मार्शल के मेम्बरान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुजरिम नंबर 1 मिस लिली डिसूजा और मुजरिम नंबर 2 मिस डॉली डिसूजा दोनों अंग्रेजों की जासूस हैं। चुनांचे मिस लिली डिसूजा और मिस डॉली डिसूजा को मौत की सजा दी जाती है। और शेफर को इसकी खिदमत के इवज में बरी किया जाता है। हो गया है। खुदा के मुकद्दस बेटे से अपने गुनाहों की माफी मांगो।
خداوند ہم پر رحم کرو خداوند ہم پر رحم کرو ہمیں اپنے گناہوں کا پچھتاوا ہے ہمیں اپنے گناہوں کا پچھتاوا ہے کیونکہ ہمارے گناہوں نے تمہاری رحمت کو غصہ دلایا ہے کیونکہ ہمارے گناہوں نے تمہاری رحمت کو غصہ دلایا ہے یسو مسیح اپنے قیمتی خون سے ہمارے گناہوں کے دھبے دھو ڈالو نہیں میں معافی نہیں چاہتی میں نے اپنے بے گناہ بہن کو موت کر لوں میں نے پیٹا ہے کے لیے آگے بڑھے تباہ ہو جائے میں دلہن بنوں گی میرے ہاتھوں میں مہندی لگے گی ہے نا ہاں تم مجھے اپنے قدموں میں رکھو گے قدموں میں نہیں لی سٹارٹ کیا بات ہے ہائی کمان نے یہ ضروری چٹھی بھیجی ہے نیتا جی نے مس ڈالی اور مس لیلی کی موت کی سزا ملتوی کرنا کا حکم دیا ہے وہ آج شام کو ان سے ملیں گے استاد تم دونوں کا خط پڑھ کر میں نے تمہاری موت کی سزا ملتوی کر دی ہے تمہیں اپنے گناہوں کا افسوس ہے افسوس گناہوں کے لیے تمہیں اپنا سب کچھ کھو بیٹھی مہتا جی یہ بے گناہ ہے گناہگار تو اصلی میں ہوں اسے تو ہماری سازشوں کی کوئی خبر بھی نہ تھی میں نے اپنے مطلب کے لیے اسے کھلونا بنا رکھا تھا اپنے باپ کے خون کے بدلے کے لیے میں اندھی ہو گئی تھی جاپانیوں سے بدلہ لیتے لیتے میں نے آزاد ہند فوج کو نقصان پہنچایا شرم کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں آپ جیسی مہان ہستی کے سامنے آنے کا موقع ملا تو وہ بھی گناہگار بن کر تم چاہو تو تمہارے پاپ کے دھبے دھل سکتے ہیں صرف موت ہی ایک غدار کے گناہوں کے دھبے دھو سکتی ہے موت تم دونوں کی زندگی ختم کر سکتی ہے مگر پاپ کے دھبے نہیں دھل سکتے تم غدار تھی لیکن بہادر بھی اور مجھے بہادروں کی ضرورت ہے کیا میں تم پر اعتبار کر سکتا ہوں جی کیا میں تم دونوں پر ایک مشکل کام کی ذمہ داری ڈال سکتا ہوں جی کیا ہم بھی دیش کی سیوا کر سکتے ہیں کیوں نہیں تم دونوں کو برٹش کیمپ میں جا کر ہمارے لیے جاسوسی کرنا ہوگی نیتا جی آپ مہربان ہیں ہمیں منظور ہے تمہارے جانے کا بندوبست کر دیا جائے گا مجھے یقین ہے تم دیش کی سیوا اسی طرح کرو گی جیسے برٹش سرکار کی نیتا جی
आप हमें शर्मिंदा ना कीजिए। मैं तुम्हारे जवाब से खुश हूँ, जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। हेरो, इस राज का मेरे, जनरल भोसले और तुम दोनों के सिवा और किसी को पता नहीं लगना चाहिए। लिली, शेखर को भी नहीं। दुनिया के नजरों में तुम दोनों मर चुकी हो। जय हिंद। जय हिंद। हम ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से बोल रहे हैं। अब आप हिंदुस्तानी में खबरें सुनिए। आज की खास खास खबरें ये हैं। कल बर्मा सेक्टर में हमारी फौजें दुश्मनों से लड़ती हुई निहायत कामयाबी से पीछे हटाएं। कल रात को आगा खान पैलेस पूना में मिस्टर गांधी की धर्मपत्नी कस्तूरबा स्वर्गवास हो गईं। उस वक्त उनकी उम्र 73 बरस की थी। वो अस्पताल में कुछ बापू, तुम अहिंसा के अवतार हो, मगर मैं अहिंसा को नहीं मानता। बाकी मौत पर तुम हरी इच्छा कहकर चुप रह सकते हो, मगर मैं ये कहता हूं बापू कि ब्रिटिश ने बा को जेल में मार डाला है और मैं उसका बदला लूंगा, क्योंकि वो तुम्हारी सिर्फ पत्नी ही थी मगर वो मेरी माँ थी। December 19 पिताजी, हमारी फौजों के पास कपड़े नहीं, दवाएं नहीं, डॉक्टर नहीं, हमारे सिपाही धड़ाधड़ मर रहे हैं, मगर फिर भी नेताजी का नाम मुर्दा दिलों में जिंदगी डाल देता है। बड़ा हो गया हूँ और आपके कंधों तक आता हूँ। जब मैं आपसे मिलूंगा तो आप मुझे पहचान भी ना सकेंगे। तेरे लिए तेरे वतन की खाक बेकरार है, हिमालया की चोटियों को तेरा इंतजार है। वतन से दूर है मगर वतन के गीत गाए जा, वतन से दूर है मगर वतन के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है काम की काम पर लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। सफर है ये बड़े कठिन है रास्ते, मगर ये मुश्किलें हैं क्या सिपाहियों के वास्ते। तू बिजलियों से खेल आंधियों पे मुस्कुराए जा, तू बिजलियों से खेल आंधियों पे मुस्कुराए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है काम की काम पर जाए जा। भैया, अब मैं नहीं बच सकूंगा भैया। अगर कभी नेताजी से मिलना तो केवल इतना कह देना कि मैं दिल्ली तक तो ना पहुंच सका, लेकिन मैंने दिल्ली के रास्ते पे अपनी जान दे दी। प्रताप, बिछड़ रहा है तुझसे तेरा भाई तो बिछड़ने दे, भाई तो बिछड़ने दे, नसीब कौम का बने तो अपना घर उजड़ने दे, अपना घर उजड़ने दे, मिटा के अपना एक घर हजार घर बसाए जा, मिटा के अपना एक घर हजार घर बसाए जा, कदम कदम बढ़ाए जाओ, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है काम की काम पर लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा,
तेरे वतन की खात बेकरार है। हिमालया की चोटियों को तेरा इंतजार है। वतन से दूर है मगर वतन के गीत गाए जा। लाला राम प्रसाद जी, आपके घर नेताजी आए हैं। नेताजी? नेताजी आए हैं मेरे घर पर? नेताजी आए हैं? सुना तुमने, मेरे यहाँ नेताजी आए हैं। जरूर मेरे बेटों ने कोई बड़ा काम किया होगा। आज सिंगापुर के घर घर में चर्चा होगा कि नेताजी खुद चलकर मेरे घर पर आए। लोग कहेंगे राम प्रसाद की दोनों बेटे थे सेवा के मैदान में बाजी ले गए। और क्यों ना कहें, वो दोनों बहादुर हैं। वो जलती हुई आग में घुस गए होंगे। वो अकेले दुश्मनों की फौज से टकरा गए होंगे। वो गरजती हुई तोपों के सामने बेखौफ खड़े होंगे। जियो शेखर, जियो मेरे लाडले प्रताप, तुम हजार बरस जियो। तुमने मेरी गर्दन फख्र से ऊंची कर दी है। नेताजी, जय हिंद। जय हिंद नेताजी। नेताजी सुनाइए, सुनाइए खुशखबरी, सुनाइए, फरमाइए, फरमाइए। मैं समझ गया शहीद कौन हुआ। प्रताप, प्रताप। अब मैं आपके कंधों तक आता हूँ। जब मैं आपसे मिलूंगा तो आप मुझे पहचान भी न सकेंगे। रोइए नहीं मेरे बुजुर्ग, प्रताप मरा नहीं, प्रताप तो अमर हो गया। आज 23 फरवरी है। हमारे जासूसों की खबर है कि 26 फरवरी सुबह 3 बजे अंग्रेजी फौजें हमारी फौजों पर हमला करेंगी। तो पोजीशन यह है, ये बर्मा की सरहद है और ये हमारी फौज है। ये पुल इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिलाता है और ये अंग्रेजी फौजें हैं जो इस पुल को पार करके हमारी फौजों पर हमला करेंगी। और ये कोहिमा की सरहद है, यानी जहां से हमारा वतन हिंदुस्तान शुरू होता है। हमारा वतन? हाँ, तो जवाबी हमले के लिए मैंने ये स्कीम सोची है कि अंग्रेजी फौजों के हमला करने से पहले हम इस पुल को उड़ा दें। इस पुल के उड़ते ही हमारी फौजें इन पहाड़ियों को पार करके पिछली तरफ से अंग्रेजी फौजों पर हमला कर दें। इस अचानक हमले से दुश्मन घबरा जाएगा और अगर हमारी ये स्कीम कामयाब हुई तो हम यकीनन कोहिमा ले सकेंगे। मगर इस पुल को उड़ाने के लिए हमारे पास बमबार हवाई जहाज नहीं। हाँ, तो उसकी तजवीज ये है कि हम एक अपना बहादुर सिपाही पैराशूट के जरिए दुश्मन के कैंप पर यहाँ गिरा दें, जो हमारे जासूसों की मदद से 25 फरवरी रात के 12 बजे यानी दुश्मन के हमले से एक दिन पहले इस पुल को उड़ा दे। मगर इस पुल पर अंग्रेजी फौजों का जबरदस्त पहरा है, चुनाचे उस बहादुर सिपाही को अपनी जिंदगी का बलिदान देना पड़ेगा। नेताजी, इस खिदमत का मौका मुझे दीजिए। मेरे माथे पर जो गद्दारी का टीका लगा है मैं उसे धो देना चाहता हूँ। मगर इसमें मौत यकीनी है। नेताजी, वतन की आजादी मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती। मुझे तुम्हारे पिता का ख्याल आता है। अभी अभी प्रताप की मौत हुई है। नेताजी, आपने खुद ही तो कहा था कि वतन का जज्बा हर जज्बे से बुलंद होता है। भाई बहन, माँ बाप और हर जज्बे से बुलंद। जाने से पहले तुम अपने पिता से मिलना चाहते हो? नेताजी, आप ही हम सबके पिता हैं। अच्छा तो शेखर, तुम पर इस जिम्मेदारी का बोझ डाला जाता है। तुम पर इस वक्त एक कौम की फतेह या शिकस्त का दारोमदार है। भगवान तुम्हारी सहायता करे। जनरल भोसले, कैप्टन शेखर को प्रोग्राम बतला दो। जी कैप्टन शेखर, कल रात को तुम हवाई जहाज से भेजे जाओगे। 25 फरवरी रात को 12 बजे हमारे जासूसों की मदद से तुम इस पुल को उड़ा देना। इस पुल के उड़ते ही हमारी फौजें हमला कर देंगी। हमारे जासूसों का कोड वर्ड है
फूल 112। खुदा हाफिज मत करो, कल खुदा कामयाबी से मौत पे। हो रहा है आपको? कितनी अजीब बात है, आपकी आवाज किसी से मिलती जुलती है। अगर वो मर न चुकी होती तो मैं समझता आप वही। कौन थी वो? थी वो। आप उससे मोहब्बत करते थे? हाँ। अब तक भी आपके दिल में उसकी याद बाकी है? याद मेरे दिल में मरते दम तक रहेगी, मगर उसने मुझे धोखा दिया था। धोखा? हो सकता है आपकी मोहब्बत की वजह से वो अपने किए पे पछताई हो सकता है, मगर अब क्या फायदा। मैंने उसे फांसी की सजा दिलवाई थी, उसे मरे हुए जमाना हो गया। शायद वो न मरी हो। ऐसा कैसे हो सकता? कभी कभी जादू हो जाया करता है। जादू? आप कैसे कह सकती हैं वो न मरी? आप कैसे कह सकती हैं अपने किए पर पछताई हो? कौन है आप? नहीं है शेखर, नेताजी महान है, उन्होंने हमें माफ कर दिया था, तुम भी माफ कर दो शेखर। Hero.
फिर Romancing? Yeah. Carry on, carry on. Lily, तुमने मुझे छुपाने का क्या बंदोबस्त किया? अस्पताल में एक सिपाही मर गया है, उसकी जगह तुम्हें रखा जाएगा। चले चले, दीदी इंतजार करती होगी। तबीयत कैसी है तुम्हारी? कल रात तुम्हारी हालत, थैंक गॉड तुम बच गए। फीलिंग बेटर? बोलने की कोशिश मत करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। हेलो कैप्टन। हेलो, हैव यू हर्ड द लेटेस्ट? नो, व्हाट इज इट? कल रात को पुल के नजदीक एक पैराशूट मिला है। पैराशूट? यस, ख्याल किया जाता दुश्मन का कोई आदमी हमारे कैंप में आया है। बहुत जोर से उसकी तलाश की जा रही है। इट इज डेंजरस। खास खास जगह पर पहरा बढ़ा दिया गया है। ओके, दुश्मन का आदमी हमारे कैंप में, डाली कहीं शेखर ना हो? वो कैसे हो सकता है? वो बहादुर है, जांबाज है, निडर है। अगर वो हुआ तो तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा हूँ, परमात्मा तुम्हें जल्दी अच्छा करे। बाय बाय लिली। ओके। कैप्टन ओम, दो नागे भील और लिली बाहर खड़े हैं, तुम उनके साथ जाओ, मैं भी आ जाऊंगी। आई थिंक यू आर ऑलराइट। वांट टू गो टू बाथरूम? कम ऑन। पुल पर चले जाना, हम अभी आ रहे हैं। बहुत अच्छे। 8 बज गए। हाँ, हमारे जीने के भी सिर्फ 4 ही घंटे बाकी रह गए। तुम मौत से डरती हो? नहीं, जब तुम साथ हो तो डर किस बात का? और शहीदों की तो समाधियां बनाई जाती है। तो फिर हीरो, मेरी सिर्फ यही ख्वाहिश है कि हम दोनों की एक ही समाधि बनाई जाए, अलग अलग नहीं। मैं समझ गया। और तुमने वादा भी तो किया था। हाँ,
तो फिर आओ भगवान बुद्ध को साक्षी करके हम ब्याह कर लें। मगर लीली, हमारे ब्याह पर बाजा ना होगा, न तुम नई दुल्हन जैसी सजाई जाओगी, न तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगेगी और न हम नए दूल्हा दुल्हन की तरह ये ख्वाहिश कर सकेंगे कि हमारी शादी की रात हजार बरस की हो, क्योंकि हमें काम करना है। तो क्या हुआ, मौत के गोद में आराम तो मिलेगा, आओ देर न करें, भगवान बुद्ध से आशीर्वाद मांगे कि मौत के बाद भी हम एक दूसरे से अलग न हो। भगवान, हम तेरे सामने पति पत्नी होने का वादा करते हैं और तुझसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हम जन्म जन्मांतर एक दूसरे के साथ रहें, मौत भी हमें अलग न कर सके। आमीन। पैराशूट पकड़ा गया था, मेरा सुरेश ठीक कहता था कि जरूर शेखर ही आया होगा, मगर कितनी बदकिस्मती है कि हमेशा भाई भाई का सामना हो जाया करता है। मेरी भी तो बदकिस्मती है, मेरी बहन दुश्मनों के साथ मिली हुई है। लिली, तुम्हारे मांग में सिंदूर कैसा? दीदी, मालूम होता है तुम दोनों ने शादी कर ली और मुझसे पूछा तक भी नहीं। अच्छा, अपने किए की सजा भुगतो। तो मेरे सुरेश, तो अपने फर्ज के इतने पक्के हैं कि तुम्हें शादी की खुशी मनाने की मुहूर्त भी ना देंगे। अब मौत की सेज पर ही शादी की खुशी मनाना, मैं क्या कर सकती हूं। जा, शायद इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया होगा। अच्छा दीदी। सुरेश, शेखर तुम्हारा भाई है, लिली मेरी बहन है, ये दोनों भाग नहीं जाएंगे, हम दोनों बाहर खड़े होते हैं, इन्हें शादी की खुशी मनाने की मोहलत दे दो। डाली, वो पिस्तौल उठा लो। दिन में कश्मकश हो रही है सुरेश,
एक तरफ भाई, दूसरी तरफ फर्ज। एक तरफ भाई की मौत और दूसरी तरफ भाई की मोहब्बत। डाली, घबराने की कौन सी बात है? तुम्हारा कितना नाम हो जाएगा, कैप्टन सुरेश से मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर। चुप रहो डाली, चुप रहो, चुप रहो। ये तो खुश होने की बात है, मेरा सुरेश ब्रिगेडियर हो जाएगा। हो सकता है इन खिदमात के बदले में तुम्हें विक्टोरिया क्रॉस मिल जाए। ये क्या कह रही हो डाली, तुम भी मुझे गलत समझती हो। मैं तुम्हें गलत नहीं समझती सुरेश, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में कितनी तकलीफ हो रही है। मेरा फर्ज मुझे मजबूर कर रहा है। तुम्हारा फर्ज तुम्हें मजबूर कर रहा है। रास्ते अलग हो गए थे और अब फिर एक हो जाएंगे। अब बहुत देर हो गई है डाली, मैं जा रहा हूं। सुरेश, तुम अकेले नहीं जा सकते, मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हारी मोहब्बत को धोखा नहीं दिया, कभी धोखा नहीं दिया, कभी धोखा नहीं दिया, कभी धोखा नहीं दिया। ये रहा वो पुल। हिंदुस्तान की सरहद कहां से शुरू होती है? इधर, यहां से 100 गज दूर थी। ये लहलहाते हुए खेत, सोने की चिड़िया नाम था हमारे हिंदुस्तान का, इन जालिम के देशों ने लूट लिया। हम हिंदुस्तानी से आजाद करेंगे। अब अपना काम शुरू करें। सुरेश, डॉली, तुम जाके रिपोर्ट करो, तुम लाशों को उठाने का इंतजाम करो, मैं पुल की तरफ जाता हूं। कोई आ रहा है।
शायद उसे शक हो गया, अब वो हमें पकड़ के ही रहेगा। उसे खत्म कर देना चाहिए। कहाँ जा रही हो? ये सोचने का वक्त नहीं, तुम कंट्रोल स्विच पर पहुंच जाओ, मैं वहां आती हूँ। निकाली तो गोली से उड़ा दी जाओगे। गोली से उड़ा दू? नहीं, ये मौत तुम्हारे लिए काफी थी। पुल पर से फेंकवा दू? नहीं, ये भी सजा तुम्हारे लिए काफी नहीं। पुल उड़ाया जाएगा, तुम भी साथ ही उड़ो। पुल के टुकड़े टुकड़े होंगे, तुम्हारे भी टुकड़े टुकड़े होंगे, तब मैं खुश होंगी। कमांडर, अपने काम की सफलता देख सकती है। क्या बोली तुम जो मेरी आंखें हो? पुल तोड़ने वालों की तलाश करो। ब्रिटिश गार्ड्स हमारी तलाश कर रहे हैं। अब मौत का डर नहीं लेंगे। ऐसे कामयाब मौत तो हर हिंदुस्तानी को नसीब हो। हमने अपना काम पूरा कर दिया, हमारी फौजें आगे बढ़ेंगी, वतन आजाद होगा, इतिहास में हमारा नाम लिखा जाएगा। हाँ हीरो, हमें और क्या चाहिए? सिर्फ एक चीज और ले, मरने से पहले अपने वतन की मिट्टी चूमना चाहता हूँ। कितनी दूर है हमारा वतन? यहाँ से 100 गज दूर है। मुझे ले चलो, मुझे मर ले चलो। लीली, यहाँ से बाहर निकलते ही ब्रिटिश गार्ड हमें भूल कर रख देंगे। यहाँ पड़े हुए भी तो मौत है। मैं अपने वतन की सरजमीन पर मरना चाहता हूँ। मुझे मल्ली चलो लीली। चलो मेरे हीरो। चारों तरफ से गोली मार शुरू करो।
रही है, अभी काफी दूर है। कोई पचास बता क्यों नहीं रुका? तुम आगे बढ़ो, मैं बहुत जख्मी हो गई हूँ। उसे चला नहीं जाता, सिर्फ तेज कस बाकी है। तुम आगे बढ़ो हीरो, तुम आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी। लीले लीले, और कितने दूर है लीले? देख कर हीरो, आगे बढ़ो। हीरो लीले, अभी कितनी दूर बाकी है? दस कद और। लिली, कहाँ हूँ मैं? गए हो हीरो, हाथ बढ़ा दो, हाथ बढ़ा दो। जय मातृभूमि, जय मातृभूमि, जय हिंद, जय हिंद, जय मातृभूमि, जय मातृभूमि, जय हिंद। लिली कहाँ हो तुम? हाँ मैं आ रही हूँ, हमारी सब ख्वाहिशें पूरी हो गई। हमारी सब ख्वाहिशें पूरी हो गई? देखो आज हमारी शादी की पहली रात है ना, ये बम और बारूद नहीं फट रहे, आतिशबाजी छूट रही है। देखो ये खून नहीं है, मेरे हाथों में मेहंदी लगी। जल्दी आओ लीली। और देखो मैं तुम्हारे कदमों में, कदमों में नहीं लीली, मेरे पास। लीली सुना तुमने, हमारे टैंकों की आवाज, हमारी फौज आगे बढ़ रही है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अंधी आंखों से हिंदुस्तान का चमकता हुआ भविष्य देख रहा हूं, वहां अपने घर की तबाही भी देख रहा हूं।
मेरे बुजुर्ग। सब मिलकर हिंद पुकारे, जय आजाद हिंद के नारे, प्यारा देश हमारा, सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम सुभागा, जय हो